करी माँ, खुशी की मासी। बताइए अर्णव, क्या ये सच जानने के बाद भी आप खुशी के साथ पूरी जिंदगी बिता पाएंगे? आप साथ फेरे ले पाएंगे खुशी के साथ? बताइए अर्णव, हम आपका जवाब सुनना चाहते हैं। हमें भी आज ही पता चला जब हमें ये तस्वीर मिली। हम उस परिवार से किसी को भी अपना नहीं सकते। वो औरत जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया, उसकी परछाई भी कैसे पड़ने दे हम अपने घर परिवार पर? हमारे लिए इस दुनिया में आपके बाबूजी से बढ़कर और कोई नहीं था। हमारा बेटा, इसलिए हम उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। अब आपको क्या करना है ये आपका फैसला है। भाई नन्नम की घंटी कब से बज रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। I don't know why। मैंने भी काफी बार मैसेज किया कॉल बैक करने को। कुछ भी। कुछ नहीं। शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। अर्णव जी का फोन लगा। नहीं खुशी, कहाँ रह गया? आगे नंद किशोर आ गए दामाजी। हाय रे नंद किशोर, अर्णव बाबू आ गए।
आते हैं भाई, दामाद जी आ गए। ए खुशी, फाइनली इंतजार करवाया। तितलिया, आज दूल्हे का मुंह इस समय ना ही देख सकती हो। नन्नव तो गाड़ी में है ही नहीं। छोटे बोलिए ना दादी जी, अर्नब जी आपके साथ नहीं आए, वो दूसरी गाड़ी में आएंगे। सुमी बताओ तो छोटे कहाँ है? हुआ जी, दादी जी अनु जी को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो ठीक तो है ना? फिर वो आपके साथ आए क्यों नहीं? तुमने सच में ये गलत फहमी थी कि वो यहां मंडप तक आएगा? गरिमा हमारे परिवार के साथ जो भी किया, उसके बाद तुमने ये सोच कैसे लिया कि हम ये शादी होने देंगे? भूल के भी कैसे सोच लिया कि उन सब दुखों के बदले हम तुम्हें ये सुख मिलने देंगे? दादी जी आप किस बारे में बात कर रही हैं? आखिर हुआ क्या है? ये सब तुम्हें अपनी अम्मा से पूछना चाहिए, हमसे नहीं। आपने तो बोला था कि आप हमें माफ कर देंगे। हाँ, झूठ बोला। कोई हमें बताएगा भी कि हो क्या रहा है? हमने झूठ बोला
क्योंकि हम तुम्हें उतनी ही तकलीफ पहुंचाना चाहते थे। ऐसा होने पे कितना दुख होता है ये बताना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमने भी ये दिन देखे थे। भी ज्यादा दर्द हमें तब हुआ जब हमारे बेटे और बहू ने अपनी जान दे दी। उस दिन हमारे घर से दो दो अर्थियां उठी थी सिर्फ तुम्हारी वजह से। रानी साहबा, नहीं नहीं सुने, तुम्हें जरूर कौनो कौनो गलती थी। ये आप क्या कह रही हैं? अम्मा, दादी जी ये सब क्यों कह रही हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वो ही गरिमा है जिसने हमारे घर परिवार वाले बेटे को अपने प्रेम के जाल में फंसाया। वजह से हमारे अंजलि और अर्णव अनाथ हो गए। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सब सच नहीं है। ये सब झूठ है। अम्मा, ये सब सच नहीं है ना? ये सब झूठ है ना अम्मा? अम्मा, मिल गया जवाब। जानती थी गरिमा, और तुमने सब जानबूझकर बर्बाद किया।
जानती हो ना एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध रखने वाली औरत को क्या कहा जाता है? तुम वैसी ही गिरी हुई औरत हो। बस कीजिए दादी जी, आप हमारी अम्मा से इस तरह से बात नहीं कर सकते। अगर अम्मा कह रही है कि उन्हें नहीं पता था कि आपके बेटे शादीशुदा थे, तो उन्हें नहीं पता होगा। हमारी अम्मा झूठ नहीं बोलती। हमें अपनी अम्मा पर पूरा विश्वास है। मैं अपनी अम्मा को अच्छी तरह से जानती हूँ। पूरी जिंदगी में जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाया। बल्कि हमेशा दूसरों के दुख को खुद अपना लिया। हमें अपनी अम्मा पर पूरा विश्वास है। अगर ऐसा है तो पहले क्यों नहीं बताया आपने हमें इस? माँ होती तो अंजलि और अर्णव से उनकी माँ नहीं छीनती। तुम सिर्फ एक गिरी हुई लालची दूसरी औरत हो। बस नहीं थी दादी। आप ऐसा नहीं कह सकती। सबका दुख अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अपने बेटे को खोने का दुख, अपनी बेटी को खोने का दुख, माँ बाप का सर से साया उठना क्या होता है, ये हम भी अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन हम ये भी जानते कि इस सब के लिए हमारी अम्मा जिम्मेदार नहीं हो सकती। जिम्मेदार है वो, इसके कारण हमारी दीदी ही दुनिया में नहीं रही, उनके पति ही दुनिया में नहीं रहे। कसूर तुम्हारा है, तुम्हारी बेटियों का है, समझी तो? माँ बस कीजिए। रहे दो आकाश। हाँ आकाश, मत कीजिए हमारे पैर। हम जानते हैं हमारी अम्मा वो सिर्फ हमारी वजह से चुप रही। कोई भी मांग करती, तुम जानती या नहीं जानती उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे बेटे और बहू की मौत का तुम कारण हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।